सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बस्तर से ही हो रही हर अभियान की क्या वजह है? संभागी सम्मेलन बस्तर से शुरू हुआ नहीं, संभागी सम्मेलन जरूर हुआ है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो बस्तर में चूंकि बारिश पहले हो जाती है तो इस कारण से पहले थोड़ा तेजिश करो वहाँ, उसके बाद फिर दूसरे जगहों में। आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट, कई इलाकों को किया गया रेल जोन घोषित। पीएम मोदी के दौरे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं हम। इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस सत्ता की भूखी। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आवास पर होगी बैठक। एमपी में चल रही पोस्टरबाजी की राजनीति पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान, ऐसे पोस्टर लगाना ठीक नहीं। कमलनाथ पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा, मुझे गाली देने की होड़ लगी है, ये जितनी गालियां देंगे जनता का उतना आशीर्वाद मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल का पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक के बाद बड़ा बयान, 2024 के बाद अगर बहुमत आता है तो राहुल गांधी बनेंगे पीएम। बस्तर में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान का आगाज, जगदलपुर में 3 वार्डों में अभियान की शुरुआत। आज ग्राम कोरतरा में बूथ चले हम अभियान के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, बीजेपी कार्यकर्ताओं का बीजेपी से हो रहा मोहभंग। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान पर बीजेपी का पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कसा तंज, आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ, अब तक कहां दिल्ली चलो का था इसके पहले। इसी के साथ ही 23 के महाभारत में फिलहाल इतना ही।